नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बेस्ट फार्मा 20 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं रविंदर सिंह, आप देख रहे हैं बेस्ट फार्मा 20 यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों इस चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक करें, जब भी हम वीडियो डालें आप देख पाएंगे सबसे पहले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मुर्गी में जो ऐसी बीमारी होती है, जैसे कि मुर्गी एक जगह सुस्त होकर खड़ी रहती है और गर्दन झुका के एक जगह खड़ी हो जाती है और खाना पीना बंद कर देती है, कोई भी कुछ भी नहीं खाती है, नहीं तक दाना खाती है और नहीं पानी पीती है, एक जगह खड़ी रहती है और ये बीमारी अपने को समझ में नहीं आती है तो अपन इसका बचाव भी नहीं कर पाते हैं और 2-3 दिन के बाद में अपनी मुर्गी की मोर्टेलिटी हो जाती है। तो ये मुर्गी हो या मुर्गा हो, कोई भी नस्ल हो, ये सभी में ऐसी बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आज हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बनाए रहिए और जो भी आपको फॉर्मूला बता रहे हैं वो आप अपनी मुर्गी में अप्लाई करना है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही बात करने वाले हैं कि जैसे कि अपनी मुर्गियां हैं, चाहे देसी मुर्गी हो, पोल्ट्री की मुर्गी हो, या आप कड़कनाथ, सोनाली, WFG कोई भी मुर्गी पालन करते हैं, उसमें ये बीमारी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। जैसे कि मुर्गी सुस्त हो जाती है, एक जगह बैठ जाती है या खड़ी रहती है और गर्दन को झुका लेती है, आँखें बंद कर लेती है, अपन को बीमारी कोई समझ में नहीं आती है, ये लक्षण काफ़ी बीमारियों के देखे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे CRD हो गया, क्रोइजा हो गया, ऐसी बीमारियों में ये मुर्गी के जो लक्षण है ये देख किया जाता है। तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि सभी में ये हो, कुछ और भी लक्षण हो जाते हैं। अगर कोई और लक्षण नहीं दिखाई देते हैं अपने मुर्गी में, सिर्फ वही लक्षण है तो इसकी वजह से अपनी मुर्गी बीमार हो जाती है, तो इसका आज उपाय हम करने वाले हैं। तो दोस्तों छोटा सा एक फॉर्मूला होगा, आप अपनी मुर्गी को आसानी से देके और ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आपको के आसपास में वेटनरी शॉप है या आपके शहर में बाज़ार में कहीं पर भी वेटनरी शॉप है, उस पर जाके आप ये दवा ले लीजिए, जो कि टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड नाम से जो ये दवा आती है, ये पाउडर फॉर्म में आती है, आपको ये मार्केट के जो वेटनरी शॉप है उसमें आसानी से मिल जाती है। तो आप कोई भी वेटनरी शॉप पर जाके तो ये दवा मांगोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये दवा आपको खरीदने लिए, खरीदने के बाद में आप घर पर लाके इसका उपयोग कैसे करना वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि जिस मुर्गी में ये दिक्कत देखी जाती है तो उस मुर्गी को पहले तो आप फार्म से अलग कर लीजिए, जो स्वस्थ मुर्गियाँ उससे हटा दीजिए और उस जिस जो अपनी बीमार मुर्गी है उसको आप अलग केज में रखिए, कोई या कोई भी छोटा पिंजरा जैसे होता है उसमें रखिए, उन जो और मुर्गियाँ उसके साथ नहीं रखना। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर अपनी जो मुर्गियाँ हैं तो उसको जो पाउडर देना है तो देना कैसे है कि जैसे कि एक पे कटोरी या आप सिरिंज में पानी ले लीजिए, जैसे कि आपको पानी लेना 10 ml और उसमें एक चुटकी, ठीक है, पाउडर होता है जो अपन मार्केट से ख़रीद के लाए हैं ये पाउडर, इसकी एक चुटकी आप 10 ml पानी में मिक्स करके और अपना जो मुर्गी या मुर्गा जो भी इस बीमारी से पीड़ित है, जैसे कि उनकी गर्दन झुकी हुई है, दाना पानी नहीं खाते हैं, तो उसको आप ये पिलाना है। ठीक है, ये सुबह पिलाना और शाम को पिलाना है। ये दवा जो आपको 3 दिन रेगुलर देनी है और 4th दिन आपकी मुर्गी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी और इसके स्वस्थ होने के लक्षण आपको 2-3 दिन में ही पता चल जाता है, लेकिन 3 दिन ये दवा आपको रेगुलर देनी चाहिए, आपकी मुर्गी स्वस्थ हो या ना हो 3 दिन आपको रेगुलर चलानी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि एक छोटी सी जानकारी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, बाय बाय।